दोस्तों गैस चूल्हा की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या आपके गैस चूल्हे भी इस तरह से सेटिंग है? ये जो पाइप है राइट साइड पे निकली हुई है, लेकिन जहां पर हम गैस को रखते हैं हमें सिलेंडर को लेफ्ट साइड में रखनी है। तो ये जो पाइप है राइट साइड में निकली है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पाइप है इसको आप कैसे लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो पाइप लगी है, इसको हम खींचेंगे तो ये निकल जाएगी। तो इस तरह से ये जो पाइप है इसको खींचकर हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको सिंपल एक पानर की मदद से इसको खोलेंगे। तो इस तरह से ये वाली जो पार्ट है बाहर आ जाती है। ठीक इसी तरह यहां पर भी हम इसको खोलते हैं। तो ये पार्ट भी अब बाहर निकल चुका। दोस्तों हमें ये जो पार्ट है इसको इस तरह से लगानी है। अब यहां पर हम गैस पाइप को लगा देते हैं। इसे लगाने के बाद अच्छा से हमें टाइट करनी है। तो इस तरह से यहां पर जो बोल्ट है उसको बहुत अच्छे से टाइट करनी है। साथ ही साथ जब सिलेंडर पर लगाएं तो इस यहां पर लीक जरूर चेक कर लें। दोस्तों इस तरह से हम इसकी पाइप की कनेक्शन को एक साइड से दूसरे साइड निकाल सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं गैस सिलेंडर से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।